नमस्कार, आप जो रहा छो जीएस टीवी, हुआ आपनी साथे मनोज, नजर करीशु नॉन स्टॉप नेशनल न्यूज पर। इलेक्ट्रॉनिक्स अने आईटी मंत्रालये सोशियल मीडिया कंपनीओ ने नोटिस पाठवी छे। सरकारे सोशियल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, यूट्यूब अने टेलिग्राम ने तेना प्लेटफॉर्म पर थी बाळ जातीय शोषण की सामग्री दूर करवा माटे नोटिस जाहिर करी छे। इलेक्ट्रॉनिक्स अने आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखरे कहू छे कि जो सोशियल मीडिया झड़पथी कार्यवाही नहीं करे तो आईटी एक्ट की कलम 79 हेठळ कार्यवाही करवामां आवशे। निवेदन में कहेवामां आव्युं छे कि तेमना प्लेटफॉर्म पर कोईपण प्रकार की बाळ जातीय शोषण की सामग्री तात्कालिक अने कायमी धोरणे दूर करवा माटे आ प्लेटफॉर्म ने नोटिस पाठवामां आवी छे। मध्यप्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान सीएम अशोक गहलोत द्वारा चूंटणी पहला करायेली आ घोषणाओं विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अरजी दाखिल करवामां आवी छे। आ मामला में सुप्रीम कोर्टे राज्य सरकारों केन्द्र और चूंटणी पंच ने नोटिस जाहिर करी छे। मफतनी घोषणाओं पर पहलेथी ज पेन्डिंग अरजीओनी साथे आ मामला ने पण जोड़वामां आव्यो छे। अरजदार भट्टलाल जैने कहूं कि चूंटणी लाभ माटे बनावाई रहेली योजनाओं में आखरे आम आदमी पार्टी पर ज बोझो पड़े छे। महत्वनुं छे कि राजस्थान और मध्यप्रदेश में विधानसभा चूंटणी पहला लोको माटे एवी योजनाओं की घोषणा कराई रही छे जेमां तेमनी रोकड़ आपवामां आवशे, तो आनी फ्रीबीज पण कहेवामां आवे छे। सुप्रीम कोर्टे आनी सामे दाखल करायेली अरजी पर सुनावणी करी। मुख्य न्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड़े कहूं कि चूंटणी पहला तमाम प्रकारना वायदा करवामां आवे छे। आना पर अरजदारना वकीले कहूं हतुं कि अहीं मात्र वायदाओनी वात थई नथी, तेना कारणे नेटवर्थ नेगेटिव थई रही छे, तेने जिल्ला जेलने वेचवानी हद सुधी चाल्या गया। चूंटणी पंच द्वारा आगामी विधानसभा चूंटणी माटेना माळखा माटे आज अंतिम बैठक योजाई छे। तो आज आ बैठक में मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चूंटणी माटे महत्वना पासाओं पर चर्चा करवामां आवी। आ बैठक में चूंटणी की शुरुआत थी तेना समापन सुधीना दरेक मुद्दा पर प्रकाश पाड़वामां आव्यो। अगाउ चूंटणी पंच द्वारा आ विधानसभा में चूंटणी माटेनी पांच राज्यनी सर्वे करवामां आव्यो हतो, जेना अंतर्गत हाल में ज तेलंगाना में चूंटणी पंच द्वारा कामगीरी पूरी करवामां आवी। तेनी आ अंतिम बैठक में समापन साथ चूंटणी पंच द्वारा चूंटणीनी तारीखो पण जाहेर थई शके तेवी शक्यता छे। आपना नेता अने राज्यसभाना सांसद संजय सिंहनी धरपकड़ बाद देशनुं राजकारण गरमायुं छे। एक बाजू आप द्वारा केन्द्र सरकार पर प्रहार करवामां आवी रह्या छे, त्यारे बीजी बाजू ईडीए दारू कौभांड केसमां राज्यसभा सांसद संजय सिंह, सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी अने कंवरबीर सिंहना त्रण नजीकना सहयोगीओने समन्स पाठव्या छे। दारू कौभांडमां संजय सिंहनी धरपकड़ बाद ईडीए तेना नजीकना लोको पर नजर राखवानुं शरू कर्युं छे। तपास एजेंसीने आशा छे के तेमना सहयोगी द्वारा कौभांड साथे संबंधित केटलीक महत्वपूर्ण कड़ीओ मळी शके छे। संजय सिंह 10 ऑक्टोबर सुधी 5 दिवस माटे ईडीनी कस्टडीमां छे। ईडीए संजय सिंहना त्रणे सहयोगीओने बोलाव्या छे। सर्विस मिश्रा आजे ज ईडी समक्ष हाजर थाय तेवी शक्यता हती। ईडी त्रणे सहयोगीने संजय सिंह साथे रूबरू बेसीने पूछपरछ करशे। ईडीनो दावो छे कि संजय सिंहना सहयोगी सर्विसने संजय सिंहे तेना घरे 2 वखत 2 करोड़ रूपया आप्या हता। संजय सिंहनी धरपकड़ मामले दिल्लीना मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालनुं मोटुं निवेदन सामे आव्युं छे। तेमणे कह्युं छे कि दिल्लीमां भाजपे शाळाना वर्गखंडोना बांधकाम, वीजळी रस्ताओ अने पाणीना बांधकाममां कौभांड थयो होवानुं कह्युं हतुं। एम विचारीने बधा टेस्ट कराव्या पण कंई मळ्युं नथी। तेमणे वधुमां कह्युं कि आ समग्र दारू कौभांड नकली छे, तेमणी पासे एक पण पुरावो नथी। तेमणे वधुमां कह्युं कि भाजप माटे लोकोने डरावानुं अने धमकावानुं आ बधी बाबत सामान्य बनी गई छे। देखिए पूरा का पूरा इन्होंने हमारी इतनी जांच करा ली, कुछ निकला? बस घोटाला, बोले बस घोटाला हो गया, कुछ नहीं निकला उसमें। सारी जांच करा ली, बोले स्कूल के क्लासरूम बनाने में घोटाला कर दिया, सारी जांच करा ली, उसमें कुछ निकला। फिर बोले बिजली का घोटाला हो गया इतने 1000 करोड़ रुपए का, उसमें कुछ नहीं निकला। फिर बोले सड़कों के बनाने में घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं निकला। पानी का घोटाला हो गया, उसमें कुछ नहीं। अब ये धीरे धीरे पता चल रहा है, कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई आप सब लोगों ने सुना कि ये पूरा शराब घोटाला भी फर्जी है। मैं तो शुरू से ही कह रहा था कि एक पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ,
जज कल बार बार पूछते रहे भी, कोई तो दिखाओ, एक पैसा तो दिखाओ, कहीं सबूत तो दिए, एक सबूत नहीं है इनके पास। राहुल गांधी ने भाजप द्वारा रावण बतावनार फोटा अंगे मोटो विवाद छेड़ायो छे। एमां हवे पीडीपी वड़ा महबूबा मुफ्तीए पण आ अंगे प्रतिक्रिया आपी छे। भाजपे समग्र देश में गोडसे पैदा कर्या छे, आ प्रकारनुं निवेदन तेमणे आप्युं। तेमणे आगळ कह्युं छे कि ज्यारे छेल्ला 70 वर्षमां एक पण गांधी पैदा करी शक्या नथी, आजे देशमां कोईनी पण हत्या थई रही छे, समग्र देशमां नफरतनुं वातावरण छे। मुफ्तीए इंडिया गठबंधनना तेमना साथी राहुल गांधी ने भाजपना रावणनी तस्वीर बतावानो आजे विरोध कर्यो छे। तेमणे कह्युं के जो कोई विपक्षी पार्टी अत्यारे आवुं कर्युं होत तो भाजपे तेमने पकड़ीने जेलमां धकेली दीधा होत, परंतु तेओ पोते राहुल गांधीनो विरोध करी रह्या छे। राम बोल के मुसलमानों को लिंच करो, और जिस श्री जय श्री नाम के पावन नाम को भी ये इसी तरह इस्तेमाल करते हैं, तो क्या है ये लोग, कुछ शर्म आनी चाहिए। एक आदमी खड़ा है इस वक्त पूरे मुल्क में गोडसे की आइडियोलॉजी सोच के खिलाफ खड़ा हो रहा है, आप उसी को रावण बताते हो? अरे आपने तो गोडसे की फौज पैदा कर दी, यहां से तो एक गांधी बनने की कोशिश कर रहा है, आपने तो गोडसे की फौज पैदा कर दी है पूरे मुल्क में। गांधी तो पैदा कर नहीं सके हम 70-75 साल में, पर इन्होंने 10 साल में इतने गोडसे पैदा किए कि अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। आयकर विभागे गतमिलनाडु में डीएमके सांसद एस जगत रक्षक ने साथ जोड़ेला विविध जगह पर सर्च ऑपरेशन कर्यु। आईटी अधिकारी शंकास्पद कचेरी और आज कर चोरी संबंधित अरक्कानम सांसद अध्यार स्थित निवास स्थान ऑफिस के शैक्षणिक संस्थाओं सहित 40 से वधु स्थलों पर दरोड़ा पड़ा है। सीएम स्टालिन कहवे कि आप सांसद संजय सिंह की धरपकड़ करी और डीएमके सांसद जगत रक्षक घरे दरोड़ा पाड़व एक राजकीय हेतुओं स्वतंत्र तपास एजेंसी दुरुपयोग करने स्पष्ट उदाहरण है। विपक्षी नेताओं आ इरादापूर्वक जुलूम लोकशाही पर हमलो साबित थाय छे। पश्चिम बंगाल में विविध मुद्दाओं ने लेने तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी वच्चे चाली रहे राजकीय युद्ध अटकवानुं नाम नथी लई रह्युं। एवामां केन्द्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति हवे मोइत्रा पर बढ़तो प्रहार कर्यो छे। तेमणे कह्युं छे के महुआ मोइत्रा संपूर्णपणे खोटा आरोप लगावी रह्या छे। मैं तृणमूल कांग्रेसना सांसदोने मळवा माटे समय आप्यो हतो, परंतु तेओ मात्र नाटक करता रह्या, कोई मळवा आव्युं नहीं अने मारो 2.5 कलाकनो समय वेडफायो। महत्वनुं छे के मनरेगा अने प्रधानमंत्री आवास योजना ने पगले तृणमूल अने बीजेपी वच्चे दमासाण चाली रह्युं छे। जब मैंने कहा कि जनता से बात नहीं लूंगी, पहले आपसे मिले हुई, तो बोले हम नहीं मिलेंगे। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ, झूठा कहूंगा? मैं 2.5 घंटे वहां बैठी रही, जबकि मैं उनको 1/2 घंटे में पूरा नहीं मुझे निपटाना था, और मुझे वापिस शाम को फ्लाइट पकड़ के लखनऊ आना था, लेकिन 8:30 बजे तक बैठी रही। महुआ मित्रा जैसे मेरे को पर झूठ बोलना, तो अपने पहले गर्दन में झांक करके देखें। તાજેતરમાં બિહાર સરકારે જાતિ સર્વેક્ષણના આંકડા જાહેર કર્યા હતા, જ્યારે આ મામલો સુપ્રીમ કોર્ટમાં પહોંચ્યો ત્યારે સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી। આ સમય દરમિયાન કોર્ટે જાતિ સર્વેક્ષણ પર યથાસ્થિતિનો આદેશ આપવાનો ઇનકાર કર્યો અને જાન્યુઆરીમાં આગામી સુનાવણી માટે કહ્યું। સ્ટે આપવાનો ઇનકાર કરતા બેન્ચના અધ્યક્ષ જસ્ટિસ સંજીવ ખંડાએ કહ્યું છે કે અમે કોઈપણ રાજ્ય સરકારને નીતિ બનાવવા અથવા કામ કરતા રોકી શકીએ નહીં। કેસની સુનાવણી દરમિયાન ન્યાયાધીશે કહ્યું કે હાઈકોર્ટે વિગતવાર આદેશ આપ્યો છે અને અમારે પણ તેની વિગતવાર સુનાવણી કરવી પડશે। આ વાત પણ સાચી છે કે સરકારી યોજનાઓ માટે ડેટા એકત્રિત કરવો જરૂરી છે, પણ તેમાં બધા પક્ષોનો એક મત હોવો જરૂરી છે। આગામી ચૂંટણી પહેલા વિપક્ષ દ્વારા દેશમાં જાતિગત વસ્તી ગણતરી કરવાની માંગ વારંવાર ઉઠી રહી છે। સૌપ્રથમ 18 જુલાઈ 2023 રોજ બેંગ્લુરમાં વિપક્ષી ગઠબંધનમાં જાતિગત વસ્તી ગણતરીની પહેલ કરવામાં આવી હતી। વિપક્ષ દ્વારા સામે આવ્યું હતું કે જો દેશમાં એસસી એસટીની ગણતરી થતી હોય તો બાકી જાતિઓની ગણતરી કેમ ન થઈ શકે, પરંતુ બંધારણ પ્રમાણે વસ્તી ગણતરી કરવાનો અધિકાર માત્ર કેન્દ્ર સરકાર પાસે છે। બંધારણના 1948 વસ્તી ગણતરીના કાયદા પ્રમાણે વસ્તી ગણતરી માટે કર્મચારીઓ અને જાણકારી એકત્રિત કરવાનો હક કેન્દ્ર સરકારને સોંપવામાં આવ્યો છે, પરંતુ રાજ્ય સરકાર માત્ર સર્વે કરી શકે છે।
दिल्ली शराब नीति घोटाला मामला में आम आदमी पार्टी ने आड़े हाथ लेता भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदीए कहूं कि आ घोटाला में आम आदमी पार्टी संपूर्णपणे सामेल है। कट्टर ईमानदारी आम आदमी पार्टी ने दावानी हवा निकली गई है। तेमणे कहूं कि आ आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार हवे सामान्य बात थी गई है। आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली शराब नीति मामला में ईडीए कस्टडी लीधी है, तेना पर भाजपे प्रहार कर। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदीए कहूं कि आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार दावा में हवा निकली गई है। पहले उनकी सरकार के एक मंत्री श्री सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, जिन्हें न्यायालय से जमानत नहीं मिली। फिर एक स्टेप और ऊपर गया, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी जेल गए, और अब आम आदमी पार्टी के संसदीय दल के नेता श्री संजय सिंह, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, संसदीय दल के नेता हैं, लीडर ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी, वो भ्रष्टाचार के आरोप में रिमांड पर हैं। अतः अब यह साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार एक आम बात होती चली जा रही है। भाजपे राहुल गांधी माटे नवा युगनो रावण अंगेना ट्वीट पर शिवसेना सांसद संजय राउते प्रतिक्रिया आपी हती। राउते कहूं कि भाजप नरेंद्र मोदी और अमित शाह राहुल गांधी थी डरे छे। 2024 ने चूंटणी में तमारी तको ने असर करशे, बीजेपी हार सुनिश्चित करे छे। आ देश में राम अने रावण वच्चे युद्ध थयुं, रावण एक विकृति छे जे फक्त भाजप में ज प्रचलित छे। देखिए राहुल गांधी को आप डरने लगे हैं, ये बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी राहुल गांधी को डरने लगे हैं, ये आपकी 2024 की हार सुनिश्चित करती है। रावण से क्या होता है, रावण और राम का युद्ध इस देश में हुआ है। रावण एक प्रवृत्ति है, विकृति है, जो आप में भी है, बीजेपी में तो सबसे ज्यादा रावण है। इंडिया गठबंधन बे महानुभावों आज फरी एक बार एक साथ जोवा मळ्या। एनसीपी वड़ा शरद पवार, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मळ्या हता। सूत्रों जणाव्यु छे कि एनसीपी वड़ाए विरोध पक्ष गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट एंड इन्क्लूसिव एलायंस माटेनी योजनाओं पर चर्चा करवा माटे बैठक करी हती। आ बैठक बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे पोताना अधिकारी ने केटलीक तस्वीरों पोस्ट करी हती अने दरेक पड़कार माटे तैयार छे, भारत एक थशे, भारत जीतशे। महत्वनु छे कि छेल्ली वखत शरद पवार, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी 31 ऑगस्ट और 1 सप्टेम्बर रोज मुंबई में योजायेली विपक्षी गठबंधन की बैठक दरमियान मळ्या हता। सूत्रों जणाव्या अनुसार विपक्षी गठबंधन की बीजी बैठक टूंक समय में योजाय तेवी शक्यता छे। त्रणे नेताओं वर्तमान राजकीय परिस्थिति और गठबंधन संबंधित मुद्दाओं पर चर्चा करी, जे आगामी विधानसभा और लोकसभा चूंटणी में भाजपा सामनो करवा मांगे छे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समाचार ने टांकीने दावो कर्यो छे कि करोड़ों लोग मनरेगा हेठळ कामनी शोधमां दर दर भटकी रह्या छे। आवकमां घटाड़ो अने वधती मोंघवारीना कारणे करोड़ों लोगोने दर दर भटकवानी फरज पड़े छे। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी कांग्रेस विशे गमे तेटलू खराब के सारू कही शके छे, परंतु तेमणे गरीबोना अधिकारो छीनवी लीधा छे। खड़गे द्वारा टांकवामां आवेल समाचारमां जणाववामां आव्युं छे कि छेल्ला 4 वर्षमां ग्रामीण भारतमां मनरेगा हेठळ रोजगारीनी मांगमां 30% वधारो थयो छे। तेमणे सोशियल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर्युं छे कि ग्रामीण भारतमां आर्थिक संकट एटलू ऊंडू छे कि सप्टेम्बरमां मनरेगा हेठळ कामनी मांगमां 4 वर्षमां 30% वधारो थयो छे। तेना विशे कई नक्कर पगलाने बदले वडाप्रधान चूंटणी राज्यमां तेमनी मोटी निष्फळता छुपाववा माटे भाषणोमां कोंग्रेसने भांडી रह्या छे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में मोटा मुस्लिम चेहराओं में एक इमरान मसूद फरी एक बार कांग्रेस में जोड़ावा जा रहा है। 1.5 वर्ष पहला कांग्रेस छोड़ी समाजवादी पार्टी और पछी बसपा में सामिल थयेला इमरान कांग्रेस में घरे परत फर्या। इमराने कहूं कि कांग्रेस पार्टी छोड़वा मांगता न था, परंतु
कार्यकर्ताओं दबाण में तेमने पार्टी छोड़वा निर्णय लीधो हतो। तेमने वधुमां कह्युं के मायावती राजनीति जोईने लागे छे के तेमना पर कोई प्रकार दबाण छे। हूँ फरीथी कहेवा मांगू छूं के सपा कोंग्रेस अने बसपा साथे आवुं जोईए। हूँ फरीथी बहन ने कोंग्रेस में जोड़ावा कहीश। पार्टी में था, मैं काम करने का मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। दुर्भाग्य है कि एक साल मेरा डेढ़ साल में पार्टी में नहीं रहा, अपने घर वापसी कर रहा हूं, घर वापस जा रहा हूं। मध्य प्रदेश ना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ अंगे आखरी प्रतिक्रिया आपी छे। तेमणे कह्युं छे के एक तरफ विकास की गंगा वही रही छे अने बीजी तरफ कमलनाथ जी मध्य प्रदेश ने चतुर्भुज राज्य कहीने तेनुं अपमान करी रह्या छे। विकास चार गणू नथी, विकास अने मात्र विकास आ राज्य में भाजपनुं लक्ष्य छे। पहला तेने बीमार राज्य कहेवामां आवतुं हतुं अने ते समय कोंग्रेसनी सरकार हती, परंतु आजे आपणे विकसित राज्यना पंथमां जोडाई गया छीए अने आंकड़ा तेना साक्षी छे। जन कल्याण का महायज्ञ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ श्री कमलनाथ जी मध्य प्रदेश का अपमान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को चौपट प्रदेश कह के, चौपट नहीं, विकास विकास और विकास, यही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है। हम पहले बीमारू राज्य कहे जाते थे जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, लेकिन आज हम विकसित राज्यों की पात में सम्मिलित हो गए हैं और आंकड़े इसके गवाह। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी की बैठक आगामी ऑक्टोबर प्रथम सप्ताह योजाई थी। रेपो रेट सतत चौथी वक्त 6.5% पर यथावत रहे हुए। आ बैठक 4-6 ऑक्टोबरे योजाई। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दासे जणाव्युं के तमाम संबंधित पासाओं पर विगतवार चर्चा कर्या पछी नाणकीय नीति समिति ने सर्वसम्मतिथी रेपो रेट में 6.5% पर यथावत राखवानो निर्णय कर्यो छे। आ समयगाळा दरमियान आरबीआई गवर्नरे जीडीपी अनुमान में कोई फेरफार कर्यो नथी। 6 ऑक्टोबर 2023, After a detailed assessment of the evolving macroeconomic and financial developments and the outlook, it decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5%. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, and the bank rate remain at the standing deposit facility rate remains at 6.25%. and the marginal standing facility, that is MSF rate and bank rate at 6.7%. ઈરાની મહિલા પત્રકાર અને કાર્યકર નરગિસ મોહમ્મદીને નોબેલ શાંતિ પુરસ્કાર 2023 એનાયત કરવામાં આવ્યો છે। નોબેલ સમિતિએ સ્વીકાર્યું છે કે તેમણે મહિલાઓની સ્વતંત્રતા અને તેમના અધિકારો માટે પોતાનો અવાજ ઉઠાવ્યો છે। તેણીની 13 વખત ધરપકડ કરવામાં આવી હતી। 51 વર્ષની નરગિસ હજુ પણ ઈરાનમાં કેદ છે। તેને 31 વર્ષની જેલ અને 154 કોરડા ફટકારવામાં આવ્યા હતા। ઈરાની સરકાર વિરુદ્ધ દુષ્પ્રચાર ફેલાવવાના આરોપમાં તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી। નોબેલ પુરસ્કાર મળ્યા બાદ નરગિસને 8.33 કરોડ રૂપિયાનું ઇનામ અને ગોલ્ડ મેડલ આપવામાં આવશે। નરગિસે વ્હાઇટ ટોર્ચર નામનું પુસ્તક પણ લખ્યું છે। આ પુસ્તકમાં તેણે ઈરાનમાં જેલમાં બંધ મહિલાઓના ઇન્ટરવ્યુ લખ્યા છે। તેમણે 2022માં રિપોર્ટને વિધાઉટ બોર્ડર્સનો હિંમત પુરસ્કાર પણ એનાયત કરવામાં આવ્યો હતો। રાજસ્થાનમાં આગામી વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોતે મોટો દાવ રમ્યો છે। ગેહલોતે રાજ્યમાં વધુ 3 નવા જિલ્લા બનાવવાની જાહેરાત કરી છે। નવા જિલ્લાઓમાં માલપુરા, સુજાનગઢ અને કુમાચંડને માન્યતા આપી હતી। ગેહલોતે કાર્યક્રમ દરમિયાન આ જાહેરાત બાદમાં સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર આ વિશે સત્તાવાર લખ્યું હતું। આ સાથે જ ગેહલોતે ભવિષ્યમાં પણ ઉચ્ચ સ્તરીય સમિતિની ભલામણો અનુસાર સીમાંકન વગેરે જેવી સમસ્યાઓનું નિરાકરણ ચાલુ રાખવાની બાહેદરી આપી હતી। સિક્કિમમાં વાદળ ફાટ્યા બાદ તિસ્તા નદીમાં ભયાનક પૂર આવ્યું। આ મામલે મુખ્યમંત્રીએ રાજ્યની અગાઉની સરકારને જવાબદાર ગણાવી સીએમ પ્રેમસિંહે કહ્યું છે કે ચુંગથાંગ ડેમ તૂટવાનું કારણ અગાઉની રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલ નબળું બાંધકામ છે। તિસ્તા નદીમાં પૂરના કારણે
1200 मेगावोट नो हाइड्रोक्लोरिक प्रोजेक्ट पण धुवाई गयो छे। आ दुर्घटना माटे पूर्व सीएम पवन कुमार चामलिंग ने सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार ना खराब बांधकाम ना कार्य ने जवाबदार गणाव्यु। आ कारणे राज्य ना नीचेना भाग में विस्तार में भयंकर आफत नो सामनो करवो पड्यो। आ दुर्घटना में अत्यार सुधी में 19 लोगों ना मौत थया छे, जेमा 7 जेटला सैनिक पण सामेल छे। उपरांत 16 सैनिक अने 103 जेटला लोको गुम छे। देशभरमांथी आवेला 3000 थी वधु प्रवासीओ फसायेला छे। अत्यार सुधी में 2500 लोगों नुं स्थळांतर करायुं छे अने 6000 लोगों ने राहत शिबिरों में खसेड़वामां आव्या छे। कोई बोल रहा डैम टूटने वाला है, कोई बोल रहा डैम टूट गया, कोई कुछ कोई कुछ। अब फिर बाद में सब लोग भागना शुरू कर दिया। अब हमारे बच्चे भी छोटे छोटे थे और औरत तो भाग नहीं पाता है। अब सबको लेके अब हम भी उधर जंगल की तरफ भाग गए और देखते देखते और नदी बहुत कम टाइम में, इतना शॉर्ट टाइम में पूरा दहला के ले गया। और ये जगह का नाम रिचू है और ये हमारा घर है। ये पूरा डैम्स हो गया है, डैम्स को छोड़िए पूरा ही चला गया है, नदी में जाने वाला है। अभी यहाँ का हालत बहुत बुरा हो गया है। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, मीडिया लोग जहाँ तक न्यूज़ पहुँचा सकते हैं पहुँचा दीजिएगा। महाराष्ट्रना नांदेड़ अने छत्रपति संभाजीनगरनी सरकारी हॉस्पिटलमां थयेला मोतनी घटनाना मामले बॉम्बे हाईकोर्टे महाराष्ट्र सरकारनो उधड़ो लीधो छे। हाईकोर्टे कह्युं छे कि महाराष्ट्र सरकार सरकारी हॉस्पिटलमां दर्दीओना मृत्युने टाळी शके नहीं। बंने शहेरोमां 20થી વધુ દર્દીઓએ જીવ ગુમાવ્યાના કેસ નોંધાયા છે। વિપક્ષે આ મુદ્દે સરકાર પર બેદરકારીનો આરોપ લગાવ્યો। ચીફ જસ્ટિસ ડી કે ઉપાધ્યાય કહ્યું છે કે તમે એમ કહીને છટકી શકતા નથી કે અમે બોજ છીએ, તમે એક રાજ્ય છો, તમે તમારી જવાબદારીઓ ખાનગી ખેલાડીઓને સોંપી શકતા નથી। તમને આગળ કહ્યું કે તેને કેવી રીતે મજબૂત બનાવવું, આ માહિતી પેપરમાં ઉપલબ્ધ છે, પરંતુ જો તે જમીન સુધી પહોંચ્યું નથી તો કોઈ અર્થ નથી। વાસ્તવમાં હાઈકોર્ટ દ્વારા આ ફટકાર એવા સમયે આપવામાં આવી છે જ્યારે સરકાર દવાઓ પથારી વગેરેની અછતની વાત કરી રહી છે। ઉત્તર પ્રદેશમાં ભારતીય વાયુસેનાની 91મી વર્ષગાંઠની ઉજવણી પહેલા વાયુસેનાનું ફૂલ ડ્રેસ રિહર્સલ યોજાયું। પ્રયાગરાજના બમરોલી સ્થિત વાયુસેના મધ્યવાયુ કમાન હેડક્વાર્ટર ખાતે યોજાયેલા રિહર્સલમાં વાયુસેના કર્તબોએ ત્યાં ઉપસ્થિત લોકોને ભારતીય વાયુસેનાની શક્તિનો પરિચય કરાવ્યો। ભારતીય વાયુસેનાની 91મી વર્ષગાંઠની પહેલી વાર આજે ઉત્તર પ્રદેશના પ્રયાગરાજમાં તેની ઉજવણી થઈ। આ દરમિયાન એક એર શો પણ કરવામાં આવશે। આ એર શોમાં આશરે 100 જેટલા વિમાન ભાગ લેશે। આગામી 8 ઓક્ટોબરના રોજ વાયુસેનાની વર્ષગાંઠની ઉજવણી પહેલા શુક્રવારે પરેડ અને એર શોનું ફૂલ ડ્રેસ રિહર્સલ યોજવામાં આવ્યું। और इसमें 100 से ज़्यादा विमान भाग ले रहे हैं। सिर्फ लेटेस्ट हवाई जहाज नहीं बल्कि पुराने जो हमारे विंटेज हवाई जहाज जिन्हें हम कहेंगे, जो हमारी एक बहुत ही कीमती धरोहर है, टाइगर मॉथ जिसमें शामिल है, जिसमें हार्वर्ड ट्रेनर शामिल हैं और जिसमें हमारा डकोटा हवाई जहाज शामिल है, ये भाग लेंगे। भारत ने कैनेडा विवाद पर अमेरिका ना संरक्षण मंत्रालय પેન્ટાગોને કહ્યું છે કે અમેરિકા ભારત સાથે મજબૂત સંરક્ષણ ભાગીદારોને પ્રોત્સાહન કરવાનું ચાલુ રાખશે। પેન્ટાગોએ પ્રેસ સચિવ પેટ રાઇટરે કહ્યું છે કે અમે સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાં ભારત સાથે પોતાના સંબંધોની ઘણી પ્રશંસા કરીએ છીએ। અમે ભારત સાથે મજબૂત સંરક્ષણ ભાગીદારને પ્રોત્સાહન આપવાનું ચાલુ રાખીશું। મને લાગે છે કે તમે અમને આગળ પણ આમ કરતા જોશો। વધુમાં તેમણે કહ્યું કે ચીન સંરક્ષણ વિભાગ માટે સતત પડકાર બનેલું છે। તેમણે કહ્યું છે કે જ્યારે રાષ્ટ્રના સાર્વભૌમત્વને સંરક્ષિત કરવા અને આંતરરાષ્ટ્રીય નિયમ આધારિત આદેશનું પાલન કરવાની વાત આવે છે તો ભારતે ઘણા વર્ષોથી શાંતિ અને સ્થિરતાને કાયમી રાખી છે। ઇન્ડો પેસિફિક ક્ષેત્રમાં અન્ય દેશોની સાથે અમારી ભાગીદારીની પ્રશંસા કરીએ છીએ। ચંદ્રયાન 3ના વિક્રમ લેન્ડર અને પ્રજ્ઞાન રોવરના ફરીથી સક્રિય થવાની કોઈ જ આશા નથી। દેશમાં ત્રીજા ચંદ્ર મિશનમાં સંભવિત અંતનો સંકેત આપતા સ્પેસ કમિશનરના આજે સભ્ય અને ઇસરોના પૂર્વ અધ્યક્ષ
એએસ કિરણ કુમારે અંગે માહિતી આપી. જેઓએ આ મિશન સાથે સક્રિય રીતે જોડાયેલા હતા. તેમણે કહ્યું છે કે હવે રોવર ના ફરીથી સક્રિય થવાની કોઈ આશા નથી. જો સંપર્ક થવાનો હોત તો અત્યાર સુધીમાં થઈ ગયો હોત. ઇન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશન એટલે કે ઇસરોએ 22 સપ્ટેમ્બરના રોજ કહ્યું હતું કે નવા ચંદ્ર દિવસની શરૂઆત પછી સૌર ઉર્જાથી ચાલતા વિક્રમ લેન્ડર અને પ્રજ્ઞાન રોવર સાથે સંપર્ક સ્થાપિત કરવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે, જેથી તેમની પુનઃ સક્રિયતાની ખાતરી આપી શકાય. જોકે અત્યાર સુધીમાં લેન્ડર અને રોવર તરફથી કોઈ સંકેત મળ્યા નથી. ચીનના હાંગઝુમાં ચાલી રહેલી એશિયન ગેમ્સ 2023ના 13મા દિવસે ભારતે ઘણા મેડલ જીત્યા છે. ભારત 100 મેડલના આંકમાંથી 14 પગલા દૂર છે. ભારતે અત્યાર સુધીમાં 21 ગોલ્ડ, 32 સિલ્વર અને 33 બ્રોન્ઝ સહિત કુલ 80થી પણ વધારે મેડલ જીત્યા છે. તે પોઈન્ટ ટેબલમાં 4થા સ્થાને છે. ભારત એશિયન ગેમ્સ 2023ના 13મા દિવસે હોકી સહિત અનેક ઇવેન્ટમાં મેડલ જીત્યો છે. ભારતીય પુરુષ ટીમે 13મા દિવસે જાપાન સામે ફાઇનલ મેચ રમી હતી. તે સહિત ભારતીય ક્રિકેટ ટીમની સેમીફાઇનલ બાંગ્લાદેશ સાથે હતી.